हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। ये देखिए फ्रेंड, मेरे प्लांट पे देखिए कितनी जुगनी है, एक ही प्लांट पे कितनी सारी लगी हुई हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कैसे मुझे इतने हेल्दी फ्रूटिंग मिलती है, उसके लिए आइए बने रहे मेरे वीडियो में और देखिए मैं क्या क्या करती हूँ इतनी हेल्दी फ्रूटिंग के लिए और इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए कि एक ही प्लांट पे जो है मुझे इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग मिलती है। ये देखिए, ये मेरी दूसरी जुगनी है, ये देखिए कितनी सारी इस पे भी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, तो है ना फ्रेंड, बहुत ही वाव फीलिंग है। तो क्या करती हूँ मैं इस वाव फीलिंग के लिए, कैसे मैं इतनी सारी फ्रूटिंग लेती हूँ एक ही प्लांट से। आप देखिए कितनी जुगनियाँ, एक दो, ये देखिए एक दो तीन और चार, और छोटे छोटे देखिए पाँच, देखिए छः सात, कितनी सारी हैं, कम से कम लगभग दस। ये देखिए चार तो ये बड़ी बड़ी हैं एक साथ, और फिर उसके बाद ये पांच है, कम से कम दस फ्रूट्स जो है एक ही प्लांट पे है। तो क्या करती हूँ मैं इतनी सारी फ्रूटिंग पाने के लिए, आइए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, एक तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब सॉइल बनानी होती है तो सॉइल को जो है उसमें जो है काऊ डंग, किचन कंपोस्ट और थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट और सॉइल, ये सब चीज़ों का तो प्रॉपर मिक्सचर रखना ही होता है। साथ में टाइम टू टाइम देखिए, आप देखेंगे फ्रेंड, जैसे ही जो है बेलों वाली जो हमारी सब्जियां होती है उन पे बड़े फ्रूट्स बनते हैं, तो जैसे ही जो है एक बारी की हम एक आध फ्रूट्स को हार्वेस्ट करते हैं, वैसे ही तुरंत ही जो हमारी जो उसकी उर्वरक क्षमता होती है या उपजाऊ क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो उसे बढ़ाने के लिए हम टाइम टू टाइम क्या करती हूँ मैं, लिक्विड मैन्योर ज़रूर देती हूँ अपने प्लांट्स में। तो ये देखिए, ये मेरे घर के बगल में बेल के पेड़ हैं और कई बार जो है ये बेल मेरे यहाँ गिर जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इनको सड़ाने से अच्छा या ये इनको फेंकने से अच्छा मैंने जो है, ये देखिए मैंने इनको पानी में घोला और पानी में घोल करके मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। गुड़ से क्या होता है फ्रेंड्स, गुड़ से जल्दी जो है आपके लिक्विड मैन्योर में माइक्रोब्स बनने लगते हैं, और जो है तीन चार दिन जो है मैंने इसको भर के रख दिया, और अब जो है मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा जो है ये गाढ़ा हो गया है, तो इसको अपने पानी में मिला करके कम से कम मैं इसको दो बकेट पानी में मिलाऊंगी, और दो बकेट पानी में मिलाने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा पतला हो जाएगा और अपने सारे प्लांट्स में जो है मैं एक एक मग इसको दूंगी, जिससे जो है मेरे प्लांट के फिर से जो है उपजाऊ क्षमता फिर से बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड, हर 15 दिन में मैं कोई ना कोई लिक्विड मैन्योर ज़रूर बनाती हूँ, किसी ना किसी तरीके का लिक्विड मैन्योर ज़रूर बनाती हूँ, जिसको मैं अपने प्लांट्स में टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, और इसलिए जो है मुझे एक के बाद एक जो है अच्छी फ्रूटिंग प्लांट से प्राप्त होती है, अच्छी जो है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से देखिए, ये मेरी छोटी सी खीरे की बेल है, अभी जब इसमें फ्रूटिंग हुई थी तो उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा लिक्विड मैन्योर दे दिया था, किचन कंपोस्ट को जो है मैं घोल के, किचन का जो भी वेस्ट होता है उसको मैं घोल करके पानी में और उसको दे देती हूँ। अब फिर से देखिए आप इस पर कितने जो है इस पर फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं, आप देखिए गुच्छों में जो है। तो इस तरीके से फ्रेंड, ये देखिए ये मेरी लौकी, तो इस तरीके से जो है अब ये लौकी हार्वेस्ट करूँगी तो ये अगली वाली बढ़ने लगेगी, क्योंकि फ्रेंड बहुत छोटी सी बेल है और बहुत छोटी सी बेल पे, और ये सबसे बड़ी बात होती है टेरेस गार्डनिंग में। टेरेस गार्डनिंग में तो एक्चुअली क्या होता है, ज़मीन में जो आप गार्डनिंग कर रहे होते हैं उसमें तो प्लांट्स अपनी रूट्स इधर उधर बढ़ा करके जो है अपना क्या कहते हैं अपने पोषण ले लेते हैं, लेकिन जो आप टेरेस गार्डनिंग में क्या होता है, टेरेस गार्डनिंग में तो यही एक दिक्कत आती है कि आप जो जितना अपने प्लांट्स को पोषण देते हैं, जितना आप अपने प्लांट्स की केयर करते हैं, बस उतने ही जो है वो प्लांट आपको फ्रूट दे पाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसमें टाइम टू टाइम लिक्विड खाद या लिक्विड मैन्योर या खाद नहीं देंगे तो फिर जो है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और जो है उसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी, या फ्रूट्स बनेंगे, छोटे छोटे फ्रूट्स बनेंगे, फूल बनेंगे और वो सब झड़ जाएंगे। तो इस चीज़ को से बचने के लिए जो है आपको टाइम टू टाइम जो है अपने प्लांट्स में लिक्विड मैन्योर, लिक्विड खाद या बर्मी कंपोस्ट
या काउडंग। काउडंग में फ्रेंड नाइट्रोजन तो बहुत होता है लेकिन और चीज़ें जो है नहीं मिल पाती हैं। और इस टाइप का जो आप लिक्विड मैन्योर बनाते हैं इसमें माइक्रोब्स बहुत अच्छे से इसमें जो है हो जाते हैं और इससे जो है आपके प्लांट्स को सभी तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक ओवरव्यू मेरी क्यारी का। थैंक्स फ्रेंड।